हेलो 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 पीपल, तो स्वागत है आप सबका वापस मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलेगा ऑनेस्ट रिएक्शन। तो मैं होप कर रहा हूं कि आप आपके घर वाले सब सेफ है इस कोविड के सिचुएशन में। तो अभी बज रहा है भाई 11:20। तो यूजुअली इतना लेट मैं रिएक्शन बनाता नहीं हूं कभी, बट जैसे ही यूट्यूब मैंने खोला, मैंने देखा शुश और योहान जो भाई 30 पर 3 का क्लाइमैक्स आने वाला था वो सुबह ड्रॉप कर चुके हैं। एंड आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद यूट्यूब, मुझे नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है यार किसी भी चीज का। तो चलो देर है दुरुस्त है, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स जंप into the reaction। And to all the Shush and Johan fans, to all the Desi Hip Hop listeners, subscribe to this channel to make your boy grow। तो शुरुआत करते हैं अब। Bang। Okay, warning, do not watch this video if you haven't seen the previous 30 part 3 mashup। भाई seriously, इसको serious लो। अगर तुम भाई गलती से भी इस video में आ चुके हो, तो अगर तुमने पहली वाली video नहीं देखी है, तो इस video को बिल्कुल मत देखो यार, वरना mood मतलब पूरी vibe ही खराब हो जाएगी। पहले पहली वाली video जाके देखो, उसे enjoy करो, फिर climax में यहाँ पे आना। So let's start it। The ultimate rap mega mix climax। It's Ezio। रफ्तार मरवा के मानेगा द विजुअल्स आर डैम कूल ब्रो, द विजुअल्स। सत्रह पे खतरा नहीं, 17 पे सपना था, मेरे हाथ में था माइक तेरे हाथ में जब चकना था। यार ये जो ट्रैक ना जुनून बाय डिवाइन, मतलब ये गाना बहुत ज्यादा डिजर्व करता है जैसा ये ट्रैक था, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंडररेटेड रहेगा। बिकॉज जब भी डिवाइन की हम बात करते हैं तो बहुत ट्रैक्स की बात करते हैं, लेकिन इस ट्रैक की बात उतनी ज्यादा नहीं होती है। बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक बाय डिवाइन, यार मेरे लिए तो वन ऑफ द बेस्ट है ये। 17 पे सपना था, मेरे हाथ में था माइक तेरे हाथ में जब चकना था, एक एक लाइन लिखने के लिए रखड़ा था, फिर लिखने लगा जो भी सर में मेरे चक्रा था, दिन रात दोनों रैप में लगाया मैंने, न्यूक्लियर धमाका होता कैसे ये बताया मैंने। पीछे से भी इतना आवाज यार डूबे माम पे डर हुए ना मेरी आंखों के सामने, उनको लगा मैं चल दिया एक झन को देख के सिगरेट पिया, गांव फुल नाइक की रिबॉक की एडी की, लेकिन नीचे गिरा दिख रहा मेरे को आसमान, खून भी ना डम आउट बॉडी मेरे साथ छोड़ रही, सांस बंद आग बन में देख सकता फरिश्ते करीब से। ये यही है भाई, यही है क्रिएटिविटी। यहाँ पे देखो वीडियो मतलब विजुअल्स में कितना खूबसूरती से यहाँ पे डाला गया है। ही वाज ऑन द स्ट्रेचर्स एंड दूसरे स्टेप में उसको आग दे रहा है फ्रॉम द वीडियो पुण्य पॉप बाय डिवाइन। क्या ही मतलब आइडिया यार, क्रिएटिविटी बहुत तगड़ी यहाँ पे। आग बन में देख सकता फरिश्ते करीब से, अजीब थे नसीब से, सुबह उठा मैं कोमा से, मेरे माँ बाप रूम में दिख रहे मेरे जीजू की लड़की। That's the end यार, बहुत छोटा था, come on। Actual scene नहीं, हमें आदत हो गई है 7 मिनट 8 मिनट की बड़े मेगा मिक्स सुनने की, तो यहाँ पर ये 2 मिनट 30 सेकंड का है, 27 सेकंड, बट स्टिल यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट, लेकिन ये क्लाइमैक्स है तो जल्दी खत्म होना ही था। और यार come on। Excited भाई आ रही है ना। बहुत हार्ड है भाई, खत्म है। लिटरली द होल सीरीज जितने थे यार, स्टार्टिंग फ्रॉम तड़ीपार, या फिर पहले तुम ओल्ड स्कूल सुन लो, उसके पहले पर्पल लैम्बोर्गिनी सुनो, बंदे जितने मेगा मिक्स बना रहे सारे तगड़े हो रहे यार, और बहुत हार्ड। और इसके बारे में बात करें कहीं ना कहीं, मींस
इसमें उस रैपर्स को काइंड ऑफ ट्रिब्यूट बोल सकते हो फॉर कृष्णा, एमसी स्टैन, डिवाइन एंड एमीवे, बिकॉज दिस गाइस हैज चेंज द होल डीएचएस सीन। कृष्णा भाई के आने के बाद कैसे सीन बदला कि हर रैपर अपने लिरिक्स के ऊपर भाई फोकस कर रहा है कि लिरिक्स को और टेक्निकल कैसे बनाए। एमसी स्टैन ही इज ब्रिंगिंग न्यू साउंड टू द इंडस्ट्री, न्यू साउंड टू द देसी हिप हॉप सीन। डिवाइन के बारे में बात करें भाई, ग्लोबली मचा रहा है, ग्लोबली एक बंदा मचा रहा है भाई, 20x प्लैट 50x प्लैट ग्लोबली मचाते हुए डिवाइन। एंड टॉकिंग अबाउट एमीवे, जिन्होंने भाई पब्लिक को दिखाया कि देसी हिप हॉप क्या होता है, पब्लिक सुनना शुरू किया बिकॉज ऑफ द बीफ जो हुआ था एमीवे और रफ्तार के बीच में। उसके बाद से ना सीन क्या हुआ कि जो नॉन लिसनर्स थे वो भी इंटरेस्टेड हो गए, बिकॉज उन्हें भी मजा आने लगा, उन्हें भी ये जो जॉनर है वो पसंद आने लगा ब्रो। सो मैं बोल सकता हूँ इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिब्यूट, और बहुत तगड़ा था यार क्लाइमैक्स। पता नहीं यार यूट्यूब को क्या दिक्कत है, मुझे नोटिफिकेशन नहीं भेजी, वरना मैं पहले ही कर दिया होता इसका। मजा आया, लिटरली मजा आया। द होल थिंग वॉज लवली, 30 part 3 एंड द क्लाइमैक्स, डैम ब्रो डैम। तो शाउट आउट टू शुश एंड योहान फॉर मेकिंग सच अ ब्यूटीफुल थिंग, और पूरे क्रू को यार, वीडियो जिन्होंने बनाया है, टू द होल क्रू जो कैमरा के आगे थे, कैमरा के आगे तो छोड़ो मैं गलत बोल दिया, कैमरा के आगे नहीं, जिन्होंने ये मेगा मिक्स किया है, जिन्होंने विजुअल्स बनाया है, जिन्होंने एडिट्स किए हैं, टू द होल क्रू सबको शाउट आउट बनता है, बिकॉज ये जो बना रहे हैं ना मास्टरपीस बना रहे हैं। कहीं ना कहीं घोड़े जब सुनेंगे हमारी आवाज तो भाई बोलेंगे क्या चल रहा है यार, जस्ट फोकस ऑन देसी हिप हॉप। तो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और शुशन योहान के चैनल पे भी जाके सब्सक्राइब करो ना, बिकॉज दिस गाइज आर मेकिंग सम रियल गुड स्टफ ब्रो। तो वापस जल्द मिलते हैं, जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम।